अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर वाफियत होंगे। चूँकि सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं और हमारे टूर्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस वजह से आज मैं ना अपनी बाइक की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन फ़र्स्ट टाइम जो ना मैं खुद कर रहा हूँ, चूँकि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लास्ट टाइम मैंने LED फास्ट लाइट लगवाई थी, तो वो जो है ना अब कह लें कि मैंने वो लगवाना नहीं चाह रहा, मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा एक करूँगा उसकी मॉडिफिकेशन लाइट की, क्योंकि नंबर प्लेट के नीचे जो एक होंडा का लोगो लगा होता ना, उसमें मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। तो देखते रहिए, वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की मॉडिफिकेशन दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट। तो जी व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं कि नंबर प्लेट के नीचे जो लोगो लगा होता है इसका, ये मैंने उतार लिया है। और ये जो होंडा लिखा हुआ है, इसकी कटिंग करके जो मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो ना छोटी सी लाइट फिट हो जाए, जो कि डिपर का भी काम करे और एक्स्ट्रा लाइट के तौर पर भी काम करे। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बाज़ार, तो चेक करता हूँ मार्केट में जाके कि कौन सी लाइट इसमें सूटेबल और फिट आएगी, ठीक है? उसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या होता है। जी व्यूअर्स, तो अभी मैं एक शॉप पे आया हूँ, यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि कौन कौन से जो है ना यहाँ पे लेटेस्ट जो है ना LED लाइट्स हैं, जो कि होंडा के जो साइज़ है ना, होंडा लिखा हुआ है मोनोग्राम पे, उस साइज़ के हिसाब से मुझे मिल सके। तो बहरहाल मैं चेक करता हूँ, ये फर्स्ट शॉप है, देखते हैं यहाँ से। एक तो मुझे ये ऑरेंज वाली जो है ना बड़ी पसंद है, पहले मैं ये देखना चाहूँगा। अच्छा, तीन सिस्टम है, लाइट चेक करो, ठीक। तीसरा करना ज़रा, ठीक। इन ज़रा एक हल्की सी लाइट चेक करवा देना, बाकी सिस्टम वही है ना सारा। डिपर अंदर फ्लैश नहीं है। अच्छा, नहीं फ्लैश नहीं है। चूँकि इस शॉप से मुझे एक प्रॉपर साइज़ नहीं मिल रहा था जो कि लोगों के मुताबिक हो, उसमें प्रॉपर फिट आए। तो साथ ही एक छोटा ये लड़का खड़ा हुआ था, इसने कहा कि 50 रुपीज़ में ये गियर लीवर पे और जो ब्रेक होती है उस पर ये मेरे से लगवा लें रबड़। तो मैं रबड़ लगवाई है, और साथ ही मैंने कहा चलो एक चीज़ का और फ़ायदा हो गया। और ये जो आप रेस ग्रिप देख रहे हैं ना, ये भी मैंने लगवा ली है न्यू, अभी बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं एक और शॉप पर आया हूँ जो कि हमारे घर के पास ही है, तो मैंने तो उम्मीद है मुझे यहाँ से जो है ना ये जो मेरी मतलूबा चीज़ है ना वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। ओ वाओ, ज़बरदस्त, यही वो चीज़ थी जो मैं ढूंढ रहा था, बहुत ज़बरदस्त। ये प्रॉपर साइज़ उसमें फिट आएगा लोगों के ऊपर, तो बहुत ज़बरदस्त है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़बरदस्त। व्यूअर्स, लाइट मुझे मिल गई है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की लाइट मिली है। ये इसकी मॉडिफिकेशन करके जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, और हो सकता है कि नंबर प्लेट के नीचे भी आए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना एक्स्ट्रा लाइट है ना, फिर शाख में बड़ा मसला होता है, तो इसके अंदर ही फिट करूँगा ताकि शाख कोई भी ऊँची नीची जगह आ जाए तो शाख के ऊपर प्रॉब्लम ना बने। तो बहरहाल ये चीज़ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अभी घर जा रहा हूँ। काफ़ी दुकानें मैंने फिरी है लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। क्योंकि वैसे इसकी कटिंग करने से जाना ये टूट सकता है, पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं, तो मैंने छुरी को गर्म किया है और इस तरह से जो है ना मैं इसको काटना शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है कि बड़ी अच्छी कटिंग होगी इसकी। ले जी, अब इसकी प्रॉपर कटिंग हो गई है, और देखें लोगों को मैंने बाहर निकाल दिया है, और एक इसमें ईज़िली लाइट फिट आ जाएगी। लेकिन इसके लिए भी अभी भी काफ़ी टाइम, और इसकी फिनिशिंग पर भी टाइम काफ़ी लगेगा, चूँकि इतना आसान काम नहीं है। तो देखते हैं इसका आगे क्या करना है, और आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी वीडियो देख रहे हैं आप, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
ये देखें जो मैंने इसे एल्फी लगा के जो है ना प्रॉपरली इसके साथ अटैच कर दिया है और अब ये फिक्स है। और एल्फी लगाने के बाद जो खाली साइडें बची थी ना उसको मैंने कर दिया है, जो सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन गम होती है, सिलिकॉन एल्फी, सिलिकॉन राड होता है जिसकी, ठीक है ना, उसकी मदद से मैंने इसे पक्का कर दिया है। और अब मैं इसके ऊपर ब्लैक टेप लगाऊंगा। पहले तो मेरा इरादा था पेंट करने का, लेकिन अब ब्लैक टेप जो है ना आपको पता है वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो वो लगा के जो है ना फिर मैं इसे अटैच करके आपको दिखाऊंगा बाइक के साथ। मैंने इसके ऊपर स्टिकर लगवा लिया है भाई, ये सारी फिक्स हो गई है। देखें जी अभी ये हमारा ऊपर स्विच लग गया है। स्विच की ना तीन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नीचे येलो देख रहे हैं, येलो जो है ना ये होता है फ्लैश के लिए यानी डिपर, और उसके ऊपर जो है ना ये रेड कलर का जो बटन है इसमें दो ऑप्शंस होती हैं। एक लें जी, लाइट हमारी तैयार है, तो भाई से ज़रा चला कर दिखाएं। ये लो और डिपर लगाएं, अब ये लें जी ये फ्लैश लाइट आ गई, हमारा डिपर है। तो इसमें तो तीन ऑप्शन है जो आपको मैंने दिखा दिए। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा कि सारी मॉडिफिकेशन आज दूसरा दिन है तो कंप्लीट हो गई है, किस तरह से मैंने इसको मॉडिफाई किया। तो चूँकि मेरे टूवर्स होते हैं आपको पता है, और मसीह टूवर्स होंगे, टूवर्स स्टार्ट होने वाले हैं, इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा लाइट है, किसी मकसद के लिए मैंने एक्स्ट्रा लाइट लगाई है। तो आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में भी कॉमेंट करके बताएँ वीडियो कैसी लगी, और ज़बरदस्त किस्म के टूवर्स और बाइक टूवर्स देखने के लिए जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर जो है ना इंशाल्लाह, अभी तो ये सिटी 70 है लेकिन मुझे इस पर ज़्यादा मज़ा आता है, और नेक्स्ट इसी तरह अगर आप बाइक को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी बाइक लेंगे, बड़ी बाइक पे बड़े बड़े टूर्स सिखाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।